लाइफ में बेसिक पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ही ये सीखना कि ज़िंदगी कैसे जीनी है ये और भी ज़रूरी है, जो कि ना तो हमें स्कूल में सिखाया जाता है और ना ही घर पे बताया जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे अनकंफर्टेबल लाइफ लेसन की जो आपको अपने 20s में सीखने चाहिए। हॉनेस्टली मैं रिग्रेट फील करती हूँ, काश ये बातें अगर किसी ने मुझे बताई होती आज से 4-5 साल पहले, तो मैं अपनी लाइफ को थोड़े और बेहतर तरीके से जी पाती। यार मैं नहीं चाहती कि तुम भी बाद में मेरी तरह रिग्रेट फील करो, इसीलिए अगर तुम अपने 20s में हो या 11th-12th में हो तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना। और अगर आप थोड़े सीनियर हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने जूनियर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जिन चीज़ों से हमने खुद सफ़र किया है उन चीज़ों से हम अपने जूनियर्स को बचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लाइफ लेसन ये है कि आप फक्ड अप या मिस्ड अप फील करेंगे, क्योंकि इस एज में आपको फेलियर, रिजेक्शन और कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत सारी गलतियां करें, हर्ट हों और लॉस्ट फील करें, हो सकता है क्या जरूर होगा आपके साथ भी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये सब टेम्परेरी हैं। अभी आपने अपनी लाइफ को जीना शुरू ही किया है, इसीलिए ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए खुद को थोड़ा टाइम दीजिएगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और ये जो सब कहते हैं कि बेटा 10th पास कर लो फिर मज़े हैं, 12th पास कर लो फिर मज़े हैं, एडल्टहुड की शुरुआत होते ही पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा स्कैम है। आपके एडल्टहुड की शुरुआत भी पूरी तरह से एक मिस होगी, जैसे हम सबकी हुई थी। और वैसे भी आपकी लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन यही एक एडल्ट होने का रहस्य भी है। यहाँ कोई नहीं जानता कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, कई लोग तो उनके लेट एडल्टहुड तक भी नहीं जान पाते। जब आप अपने मिसी से एडल्टहुड में फियरलेस हो जाते हैं तो ये साइन है कि आप अपने लाइफ में मास्टरी हासिल कर रहे हैं। अगर आप अपने 20s में ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच जानने के लिए। और अगर आप अपने लेट एडल्टहुड में ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपने जूनियर्स को ज़रूर बताइएगा कि ये सारी बातें सही हैं कि नहीं। दूसरा लाइफ लेसन ये है कि जब आप एडल्ट हो रहे होते हैं तो आपकी लाइफ में लोग बहुत टेम्परेरी होते हैं। आपको बेशक दोस्त बनाने चाहिए, लेकिन जो लोग आपको छोड़ के जाना चाहते हैं उनके सामने अपनी दोस्ती या रिश्ते के लिए भीख मत मांगिए, क्योंकि स्कूल में हमारे रास्ते एक नहीं होते, किसी को कुछ करना है किसी को कुछ, तो आपको तो अलग अलग हो ही जाना है। इसीलिए रिश्ते बेशक बनाइए, लेकिन रिश्तों में डूब मत जाइए। अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है तो ठीक है यार, गुड बाय कहो और अपनी लाइफ में नए दोस्त बनाओ। तीसरा लाइफ लेसन ये है कि आपको हमेशा वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, और आपकी लाइफ कभी भी वैसी नहीं चलेगी जैसे आपने प्लान किया है, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ें आप चाहते हैं वो हमेशा वो चीज़ें नहीं होती जिनकी आपको ज़रूरत है। जब आप कुछ अपने सबसे करीब रहने वाले दोस्तों या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को खो देते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बेशक बहुत दुख होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे आप ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे कि जिसे आपने खोया है वो एक नुकसान के अलावा कुछ नहीं, बल्कि ये आपको दोबारा हर्ट होने से भी बचाता है। आपको अपने फेलियर और रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखना होगा और महसूस करना होगा कि अगर भगवान ने एक दरवाज़ा बंद किया है तो तुम अपनी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से कई और दरवाजे बना लोगे। शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन यार अगर तुम अपने अर्ली 20s में हो तो बस तुमसे इतना ही कहना है कि शायद ये सारी बातें तुम्हें बकवास लग रही हों, और ट्रस्ट मी मैं भी अगर तुम्हारी जगह होती तो मुझे भी ये सारी बातें बकवास ही लगती। लेकिन अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये सारी बातें बिल्कुल भी झूठ नहीं हैं, क्योंकि ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कह रही। ये सारी बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, कई सारी बुक्स और कई लोगों के पॉडकास्ट पढ़ने और सुनने के बाद बता रही हूँ। मैं भी अपने 20s में हूँ, चूतियापंथी कर रही, गलतियाँ करके सीख रही, और मज़े की बात ये है कि मैं भी अभी फिगर आउट ही कर रही हूँ कि आखिर मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। सो जस्ट चिल, बस ये याद रखना, क्योंकि
इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आप अपने लेट ट्वेंटीज़ में हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपने ट्वेंटीज़ का एक्सपीरियंस। अगर आप में से कोई हो जिसके साथ अभी कुछ बहुत बुरा हुआ हो, लाइक ब्रेकअप वगैरह, तो तुमसे बस इतना ही कहना है कि पुरानी बातों को याद करके तू क्यों इस कदर रोता है, सब्र कर यार मेरे। दुनिया बनाने वाले ने बहुत सोच समझ कर कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी के साथ अपने जूनियर्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।